हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, द मास ऑफ मैन स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट इज 60 kg। यहाँ पर 60 kg दिए। व्हाट इज़ द वेट व्हेन ही स्टैंडिंग ऑन लिफ्ट विच इज़ मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा इसका 882 किलोग्राम। ठीक है, अगर 60 किलो का है और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो आंसर क्या जाएगा 882 किलोग्राम। आपके पास ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन में से राइट आंसर है वो 882 है। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। जो लीस्ट वेवलेंथ है वो गामा रेस, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होती हैं वो हमारी रेडियो वेव में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गेट द 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड बी हैव टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन था कि 90 डिग्री का अगर एंगल दिया हो तो वहाँ पर आपके पास कितनी इमेजेस बनती हैं, तो वहाँ आंसर था आपका 3। और यहाँ पर उल्टा पूछ लिया गया कि 3 इमेजेस बनती है लेकिन एंगल बताओ, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन मैक्सिमम इफ एंगल बिटवीन पी एंड ई इज, तो वहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 यहाँ पर जो है वो 1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास, टॉर्क इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 50 हर्ट्स इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू इज, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.005 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनर डायोड इज यूज फॉर, तो जीनर डायोड क्या काम करती है, स्टेबलाइजेशन का। अब जीनर डायग्राम का अगर आपके पास डायग्राम दिया हो, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इस तरह से आपके पास डायग्राम दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या क्या होगा, इस तरह से सिंबल इसका होता है। तो यह है आपकी जीनर डायोड, और ये काम क्या करती है, स्टेबलाइजेशन का। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपके पहले टीवी वगैरह होते थे उसमें स्टेबलाइजर लगता था, ठीक है, तो उसको स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, ताकि उसी में जैसे 250 आप अगर आपको वोल्ट देनी है तो 250 पे हम उसको सेट कर देते हैं। आजकल जो है स्टेबलाइजेशन वो ऑलरेडी फिक्स है, जैसे आपके हीटर्स हैं या फिर आपके जो फ्रीज वगैरह, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन जो है फिक्स की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेज, जो नेचर है फ्रिक्शनल फोर्स की वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस बाय द फैक्टर। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की डबल है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज कर जाएगी फैक्टर को 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ आर्म ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज 4 times ऑफ रेडियस ऑफ अदर आर्म, वट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन नैरो आर्म टू लिफ्ट 100 kg। तो इसका राइट आंसर है 62.5 न्यूटन। यहाँ देखो आप सारे ऑप्शन आपको मिलते जुलते हैं, 62.5 है, 6.25 है, तो इन ऑप्शन में से 62.5 आपका राइट आंसर होगा, 6.25 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 80 cm एंड अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 cm आर कम्बाइंड टूगेदर, वट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर। तो इसका राइट आंसर रहेगा -0.75 d। ठीक है, -0.75 d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्रेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ IT इज अप्रोक्सीमेटली 28 GHz। तो इसका राइट आंसर होगा 28 GHz। यहाँ पर याद रखो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन ग्रेटिंग, ठीक है, ये चीज़ याद रखो, और मैग्नेटिक फील्ड को याद रखो, साथ में इस IT वर्ड को याद रखो, तो आपके पास क्या जाएगा 28 GHz। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, अ करंट कैरिंग स्मॉल लूप बिहेव लाइक अ स्मॉल मैग्नेट इफ़ ए बी इट्स एरिया एंड एम इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। अगर ए एरिया है और एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, द करंट इज द इन द लूप ऑफ लूप विल बी m/a। ठीक है, तो ये तो यहाँ से निकल गया कि m/a इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कॉन्टैक्ट बिटवीन फुटबॉल एंड लेग लास्ट फॉर 1/50 seconds देन द फोर्स एक्टेड ऑन द बॉल, यानी कि हमारे बॉल में और लेग के बीच के जो
कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगी वो हमें बतानी है 1/50 सेकेंड्स पे। तो राइट आंसर होगा 250 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीना ऑफ हाइट 500 मीटर, यहाँ पर याद रखो 500 मीटर को, व्हाट विल बी द रेंज, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6400 किलोमीटर अगर आपके पास दिया होगा तो राइट आंसर 80, यानी कि हम क्या कर देंगे 8 8 64 मान के चलेंगे और 80 इसका राइट आंसर आ जाएगा। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ, देखो रेनबो का दोबारा से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, एक तो डिस्पर्जन की बात होगी और साथ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये थे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 16 से लेकर के अब 30 क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी जो भी HP TET या फिर CTET की वो तैयारी करें तो उनपे उसकी हेल्प हो सके। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।